जैसा आप सब जानते हैं कि डबल इंजन सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए संकल्पित है और बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी तक सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं पहुंचे, गांवों का विकास और नगरों के साथ साथ और जो भी योजना बनती है उस योजना से भ्रष्टाचार समाप्त हो और जो वास्तविक लाभार्थी लाभार्थी तक सीधे वह लाभ पहुंचाने का काम जब से देश में 2014 में हमारी सरकार बनी और 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी पहले कार्यकाल की, तब से हम लोग इसी दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं और उसका काफी परिणाम हुआ। अकेले केंद्र सरकार के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में योजनाओं का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से लोगों के खाते में भेजने का काम किया गया। जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें होती थी तो वह कहते थे 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपये जो लाभार्थी है वहाँ पहुँचेगा और 85 रुपये बीच में दलाली और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज हम दमखम के साथ कह सकते हैं कि 23 लाख करोड़ रुपया अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के खाते में भेजा है तो पूरा 23 लाख करोड़ रुपया जिसे मिलना चाहिए उस तक पहुँचा। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो उत्तर प्रदेश बनाने का एक संकल्प जो था उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। अकेले अम्बेडकर नगर जनपद में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जानकारी के हिसाब से लगभग 42,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए जिसमें 513 करोड़ रुपए से अधिक लोगों के खाते में हस्तांतरित करने का काम हुआ है। ये अम्बेडकर नगर जैसे तमाम प्रकार से पीछे छूट गया जनपद को आगे बढ़ाने का एक बहुत शानदार कदम है। अगर हम शहरी दृष्टि से बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारी शहरी है उसमें 2017 से 22 तक हम लोगों ने 13,690 प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया और लगभग 289 करोड़ रुपये ये सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने का काम भी किया गया। जिले के अंदर लगभग 4 लाख हमारे ऐसे कृषक हैं जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2,000 रुपये की 3 किस्त के माध्यम से 709 करोड़ या हस्तांतरित करने का काम किया गया। ये बड़ा डेटा है, मैं इसमें नहीं जाता, मैं सूचना अधिकारी जो है यहाँ उनसे चाहूँगा कि ये रिलीज सभी मेरे पत्रकार मित्रों को उपलब्ध कराएंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है कि जो योजनाएं बन रही हैं जिसके लिए बन रही हैं उस तक पहुंचे। कैमरा इस समय एक बहुत बड़ा काम क्योंकि प्रधान यादव होने के नाते बस ठीक ठाक आदमी है इसलिए सुधार जरूर करेंगे, ये मुझको विश्वास है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात है आगे क्या सुधार होगा, कैसे सुधार होगा। अभी कुछ लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी व्यवस्थाएँ पहले बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ पर भूसे की खरीद कल ही की गई है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस समस्याओं का निदान होना संभव नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ अनूप तिवारी, अम्बेडकर नगर।